चलो बेटा स्टार्ट करेंगे लास्ट सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद जितने भी सम है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। अब ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, देखो 15 मार्क का सम पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्लोमैक्स लिमिटेड हैविंग नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ 2,80,000। एकज इन्फॉर्मेशन दी है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इंडिकेट द फॉलोइंग रेशियो एंड परफॉर्मेंस फिगर। क्या दिया है? करंट रेशियो 2.4 टाइम्स, लिक्विड रेशियो 1.6 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। अब यहाँ पे लिख के दे दिया बेस्ड ऑन सीओजीएस, यानी हमको सीओजीएस से ही करना है। इसके पहले वाले सब में हमने सेल्स से किया था क्योंकि लिख के दिया था। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ, तो यहाँ पे मंथ में ही करना है। ये कैंसिल कर देना, ये वधारे का टॉपिक है, काम का नहीं है, बुलसा टाइप हो गया है। अभी ये बहुत खतरनाक चीज दी है, द कंपनी फिक्स असेट, द कंपनी फिक्स असेट इज इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ इज कैपिटल एम्प्लॉइड। कैपिटल एम्प्लॉइड का मतलब क्या होता है? 90% ऑफ नेटवर्थ। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नेटवर्थ। और क्या बताया है? फिक्स असेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, वाइल रिजर्व इज 60% ऑफ कैपिटल। रिजर्व कितने हैं? तुम्हारे कैपिटल के 60%। क्लियर? कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस शीट। देखो सब में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी, खाली फिक्स असेट दी है। सब कुछ आपको फाइंड करना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, देख लेते। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो मैंने बोला ना, पहली फॉर्मूला से ही चालू करो, पहली फॉर्मूला से ही चालू करो। पेम्पलेट लेके बैठना, सम नंबर 18 है, सम नंबर 18 है। क्लियर? तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दिया है 2.4 टाइम्स इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब सब में ना करंट असेट आपको दिए ना करंट लायबिलिटी दिए, सही है? तो हम क्या करेंगे, 2.4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? अब आगे बढ़ता हूं मैं। हमको ऑलरेडी दे दिया था नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? इसके पहले वाले सब में ही बताया, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक इंफॉर्मेशन दी है, नेट वर्किंग कैपिटल 2,80,000। तो 2,80,000 माइनस करंट असेट के बदले मैंने क्या लिख दिया, 2.4 CL माइनस सी एल। तो 2,80,000 इज इक्वल टू 1.4 CL, देर फोर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,00,000 रुपीज। क्लियर? देखो मैं यहां लिखते जाता हूं, मिल गई करंट लायबिलिटी 2 लाख। ऑटोमेटिकली करंट असेट भी मिल जाएगी, कैसे? तो दिया हुआ है करंट असेट इज 2.4 CL, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी, 4 2 2 4, 4 2 8, तो आपकी करंट असेट कितनी हो गई, 4,80,000। फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। अब यहां पे तो आपको दे ही दिया है फिक्स असेट 25,20,000, तो कॉमन है, कॉमन है। टोटल असेट इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट। फिक्स असेट दे दिया आपको 25,20,000, करंट असेट अभी आपने ढूंढी 4,80,000, तो आपका टोटल कितना आया, 25,20,000 प्लस 4,80,000, तो आपकी टोटल असेट कितनी हो गई, 30,00,000। अब ऑटोमेटिक में इसके साथ ही कर देता हूं,
टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, 30 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। क्लियर? तो देखो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। क्लियर? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है? लिक्विड रेशियो। और जो पहली फॉर्मूला हो रही है बेटा, तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो क्या दिया है? 1.6। करंट असेट कितनी है? 4,80,000। स्टॉक की अमाउंट हमको मालूम नहीं है। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। अब देखो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.6, 1,20,000। 1,20,000 माइनस 4,80,000, तो आपको स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी 1,60,000। स्टॉक मिल गया 1,60,000। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या दिए है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मगर यहाँ किसमें करना है? बेस्ड ऑन सीओजीएस। किससे करना है? सीओजीएस। तो हम फॉर्मूला भी कौन सी लगाएंगे? सीओजीएस वाली फॉर्मूला ही लगाएंगे, सीओजीएस वाली फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो सीओजीएस डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक या सीओजीएस डिवाइड बाय स्टॉक। तो इन्वेंटरी टर्नओवर कितना दिया आपको? 8 टाइम दिया है, 8 टाइम दिया है। COGS अवेलेबल नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 1,60,000। देखो इन्वेंटरी टर्नओवर कितना दिया? 8 टाइम। अब 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना हुआ? COGS आपको मिल गया 12,80,000। पर यहाँ पे तो कोई COGS का काम नहीं है, COGS आगे काम लगेगा। इसके बाद वाली फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद क्या दिया है? जीपी रेशियो इज 20% ऑफ सेल्स। ओके, जीपी हमेशा 20%। तो कैसे करूंगा? ध्यान देना। सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सपोज सेल्स 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो सीओजीएस कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? तो ऑटोमेटिक हमको इससे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? ओके, डेटर के लिए, आगे फिक्स असेट के लिए, टर्नओवर के लिए हमको कंपलसरी कौन सी फॉर्मूला चाहिए? सेल्स ही चाहिए ना बेटा। तो देखो सॉल्व करेंगे कि जब सीओजीएस 80 होता है तो सेल्स हमारा 100 होता है। तो जब सीओजीएस 20,80,000 होगा तो हमारा सेल्स कितना होगा? तो यहाँ पे आपको सेल्स मिल गया 16 लाख। मगर अभी अपनों को तो सेल्स की भी कोई जरूरत नहीं है, सेल्स की भी कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड देखो, कुछ काम नहीं। अब क्या ढूंढना है? शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेटर ने कैश। तो एक फॉर्मूला बाकी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी? 12 मंथ डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर। मैंने 12 मंथ क्यों लिखा? क्योंकि इंफॉर्मेशन मंथ में दी गई है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर। तो आपको डेटर टर्नओवर कितना आया? डेटर टर्नओवर कितना आया? 8 टाइम्स। अब डेटर टर्नओवर से आप डेटर की फॉर्मूला ढूंढ लोगे तो डेटर टर्न ओवर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय क्लोजिंग डेटर। अब अखे सब में कोई जगह सेल्स के बारे में दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो सेल्स था पूरा के पूरा सेल्स हम क्या एज्यूम कर लेंगे? क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे। या लिख देने का फिर नोट में, सेल्स कितना है? 16 लाख, क्लोजिंग डेटर कितना टाइम? 8 टाइम्स। देयर फोर डेटर विल बी कितने के हो गए? 2 लाख। या नोट लिख देने की,
एज्यूम सेल्स एज अ क्रेडिट सेल्स. हमने सेल्स को क्या एज्यूम करा, क्रेडिट सेल्स एज्यूम कर लिया. क्लियर? तो देखो ये डेटर की भी वैल्यू मिल गई. ऑटोमेटिकली केस मिल जाएगा. केस है, केस है. तो करंट असेट इज इक्वल टू डेटर प्लस स्टॉक प्लस केस. ये है 4.8 लाख. डेटर है 2 लाख, स्टॉक है 1.6 लाख. केस ढूंढना है 2 लाख प्लस 160 में से 4.80 लाख गए तो केस बैलेंस कितना आया, 1,20,000. क्लियर? क्लियर. अब उसके बाद ये फॉर्मूला देखो, लॉन्ग टर्म डेप्ट. तो डेप्ट इक्विटी रेशियो. तो इसकी फॉर्मूला क्या थी, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय नेटवर्थ. नेटवर्थ अब यहां पे तुमको सिर्फ यही दिया हुआ है 2:0.80. अब ये तो ढूंढना पड़ेगा. इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 रुपए डेप्ट होगा तो तुम्हारा इक्विटी होगा 0.8. अब यहाँ पे आपके पास नेटवर्थ तो अवेलेबल नहीं है. तो क्या बताया, द कंपनी फिक्स असेट इज इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ नेटवर्थ. यानी आपको सबसे पहले तो नेटवर्थ ढूंढनी पड़ेगी. क्या ढूंढनी पड़ेगी, नेटवर्थ ढूंढनी पड़ेगी. तो देखो मैं यहाँ वर्किंग बताता हूँ, वर्किंग बताता हूँ. नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल. कहां से लाया मैंने, दिया नहीं, सब में ही दिया है. फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट प्लस वर्किंग. देखो पढ़ो, द कंपनी फिक्स असेट इज इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ नेटवर्थ. कंपनी की फिक्स असेट 90% नेटवर्थ की है. कंपनी की फिक्स असेट 90% की नेटवर्थ की, तो ध्यान देना. कंपनी की ये लाइन पे ध्यान देना, द कंपनी फिक्स असेट इज 90% ऑफ नेटवर्क. यानी अगर नेटवर्क 1 रुपया है तो फिक्स असेट कितना होगा, 0.9. तो देखो मैं क्या करूंगा, अगर नेटवर्क 1 रुपया है तो फिक्स असेट क्या हो जाएगा, अगर नेटवर्क 1 रुपया है तो फिक्स असेट क्या हो जाएगा, 90%. यानी 1 रुपए के 90% कितने हो जाएंगे, 0.9 नेटवर्क. क्लियर? अब यह फॉर्मूला में डाल दो, नेटवर्थ 1, फिक्स असेट के बदले मैंने क्या लिख दिया, 0.9 नेटवर्थ प्लस वर्किंग कैपिटल तो ऑलरेडी सब में दिया हुआ है आपको 2,80,000. अब ये चीज यहां पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 0.1 नेटवर्थ इज इक्वल टू 2,80,000. देयरफॉर नेटवर्थ इज इक्वल टू 28 लाख. नेटवर्थ आपका कितना मिल गया, कितना मिल गया, 28 लाख आपका नेटवर्थ मिल गया. यानी ये दोनों का टोटल कितना हुआ, 28 लाख. क्लियर? यानी यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप ने पहले ही बोला करने की कोई जरूरत आपको नहीं है. बराबर. अब लास्ट कंडीशन क्या बोली है, रिजर्व इज 60% ऑफ शेयर कैपिटल. ये तो मैंने आगे भी बता दिया था आपको, रिजर्व इज 60%. यानी नेटवर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व. रिजर्व क्या बता, रिजर्व इज 60% ऑफ कैपिटल. अगर कैपिटल 1 रुपया होगी, अगर कैपिटल तुम्हारी 1 रुपया होगी तो रिजर्व तुम्हारा कितना होगा, 0.6. आगे वाले सब में ही बताया, तो तुम्हारी नेटवर्थ कितनी हुई, 1.6. ऑटोमेटिक ढूंढ डालो कि जब तुम्हारी नेटवर्थ 1.6 होती है तो तुम्हारी कैपिटल 1 होती है. तो तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, 28 लाख. तो कैपिटल कितनी, तो 28 लाख डिवाइड बाय 1.6,
17,50,000, तो आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल मिल गया 17,50,000। सीधी सी बात, अब 28 लाख में से 17,50,000 माइनस कर दो तो 10,50,000, ये तुम्हारा टोटल सम अवर होगा। ये इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है, ये लास्ट टाइम कॉलेज में भी लिखाया तो चेंज कराया था कि भाई इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कॉलेज वालों ने एग्जामिनेशन में चेंजेस कराया था बिकॉज, क्योंकि 28 लाख आई, 28 प्लस 2 30, अब यहाँ पे तुम डेप लिखने जाओगे तो अमाउंट क्या लिखोगे, क्लियर? यहाँ पे अपना FM का कंप्लीट यूनिट 1 रेशियो एनालिसिस अवर होता है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तो फोन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो।